सब पे नजर अंदर की खबर। दूध कितना है? आप कंफ्यूज कर रहे हैं। दोनों बर्तन में दूध कितना है? छह बेचते हैं, दूध नहीं बेचते हैं। सॉरी, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ बहुत ही मुनफरिद सा शो, जिसमें हम करेंगे लोगों से बहुत ही आसान सवालात और टेस्ट करेंगे उनका IQ। आज एक बर्तन 3 किलो का है और एक 5 किलो का, लेकिन उसने 1 किलो दूध बेचना है, वो क्या करेगा? एक बर्तन 3 किलो का है और एक बर्तन 5 किलो का है, उसने अगर 1 किलो दूध देना है तो क्या करेगा? क्या दूध देगा? दूध तो देगा, लेकिन मेजरमेंट कैसे करेगा? बर्तन नहीं है जिससे होगा। दूध कितना है? तीन, सिर्फ 2 बर्तन है, 1 5 किलो वाला और 1 3 किलो वाला। 2 है, दूध कितना है? तो कैसे देगा? बर्तन है ना। अच्छा, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत डिफिकल्ट है। वो कंफ्यूज है कि कौन से कैसे वो बेचे, उसके पास मेजरमेंट ही नहीं है 1 किलो, उसके पास सिर्फ 2 बर्तन है और 1 5 किलो वाला, 1 3 किलो वाला। इट्स योर IQ टेस्ट। एक इतना क्लोजअप ना ले। 5 किलो वाले बर्तन में पहले वो दूध डालेगा, ठीक है, फिर 3 लीटर में डालेगा। पहले 5 किलो वाले में डालेगा और फिर 3 में 3 लीटर वो अलग से कर। ये कोई बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमें बताने जा रहे हैं। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सॉरी, नहीं पता। नहीं पता। ओके ओके, थैंक यू। आपसे एक क्वेश्चन है। एक दूध बेचने वाला है, उसके पास 2 बर्तन है, 1 5 किलो वाला और 1 3 किलो वाला, लेकिन उसने 1 किलो दूध बेचना है, बताएं वो उसका मेजरमेंट कैसे करेगा? 1 5 किलो का है और 1 उसका मेजरमेंट कैसे करेगा? 1 किलो दूध बेचना है, बताएं वो फिर कैसे बेचेगा? वो तो लीटर के हिसाब से बेचेगा ना, लेकिन उसके पास मापने के लिए वो वाला पैमाना ही नहीं है ना, सिर्फ 2 पैमाने हैं, 1 5 वाला और 1 3 वाला। 5 वाला और 3 वाला है? नहीं, आपके लिए हम वो जो है ना 1 3 लीटर वाला पैमाना कर लेते हैं और 1 5 वाला, किलो भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर देंगे आप। और भी इजी कर दिया हमने इनके लिए। नहीं, मुझे भी पता नहीं पता। ओके, थैंक यू। आपसे हमारा एक सवाल है मैम। एक दूध बेचने वाला है, उसके पास 2 बर्तन है, 1 5 किलो वाला और 1 3 किलो वाला, लेकिन उसने 1 किलो दूध बेचना है, बताएं वो क्या करेगा? बहुत आसान है, वो पहले ही हार मान गई है, डर गई है हमारे सवाल से। आपसे हमारा एक सवाल है। एक दूध बेचने वाला है, उसके पास 2 बर्तन है, 1 5 किलो वाला और 1 3 किलो वाला, लेकिन उसने 1 किलो दूध बेचना है, बताएं वो क्या करेगा? 1 किलो दूध बेचने तो एक पास मापने के लिए सिर्फ 2 बर्तन है, 1 5 किलो वाला, 1 3 वाला, 1 किलो दूध कैसे मापेगा? सॉरी, और से पूछते हैं। सुने, आपसे हमारा सवाल है। स्टार्ट। आपसे हमारे एक बहुत ही आसान सा सवाल है। एक दूध बेचने वाला है, उसके पास 2 बर्तन है, 1 5 किलो वाला और 1 3 किलो वाला, लेकिन उसने 1 किलो दूध बेचना है, बताएं वो कैसे मापेगा? ये क्या पता, आप दूध लेते ही होंगे, आप तभी चाय बनाते भी बेचते हैं ये, और फिर भी नहीं बेचते हैं। दूध है, माप के लेके आए होंगे ना आप? आज है, आज है,
मैं नाप से ले गया। ये क्या बना रहे हैं आप, फिश? अच्छा, आपसे हमारा, देखिए जी मज़ेदार से फिश बन रही है, देखिए जी मज़ेदार से फिश बन रही है, और अब हम इनसे मज़ेदार सा सवाल भी करेंगे, और बहुत आसान सवाल। एक दूध बेचने वाला है, ये सवाल तो हज़ारों लोगों से कर चुके हैं, तो आप तो आपको आंसर पता होगा। अच्छा बताएं, उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद बे ही आते हैं, और क्या होते हैं? ये तो नहीं आता। अलिफ के बाद क्या आते हैं उर्दू में? अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ बे ते से जिम से दा, ये इसी तरह आते हैं, और क्या आते हैं? आखिरी जवाब, अलिफ के बाद आते हैं बे। हाँ अच्छा, बे आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। मेरा आपसे एक सवाल है कि एक दूध बेचने वाला है जैसे कि आप भी हैं, उसके पास दो बर्तन हैं, एक 5 किलो वाला है और एक 3 वाला, लेकिन उसने 1 किलो दूध बेचना है, बताएं वो उसका क्या करेगा, कैसे बेचेगा? 5 किलो दूध है ना, वो 3 किलो वाले 3 वाले बर्तन में दूध डालेगा वो, मगर फिर 3 वाले में फिर डालेगा, जब 5 किलो ये किलो बाजेगा वो डाल के दे देगा फिर। जिन्होंने इसका बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। आज हमने लोगों से किए बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार सवालात, और उसके हमें बहुत अच्छे अच्छे और दिलचस्प जवाबात मिले। वी होप कि आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगा। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।